गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जानते हैं कि मैं सुबह सुबह चाय बनाती हूँ, तो मैं वही बना रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे। और ये ब्लैक चाय बना रही हूँ क्योंकि दूध घर में नहीं है, आज ख़त्म हो गया दूध, तो ब्लैक चाय बना रही हूँ। कभी कभी ब्लैक चाय भी सुबह सुबह पी लेते हैं, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो ये काला चाय मैं बना कर नीचे दूँगी और फिर उसके बाद दूध आएगा, तो बनेगा बाद में चाय। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पूजा पाठ हो चुका है और अभी मैं किचन में चल रही हूँ, अभी चाय वाय बनाए हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं आज, इसीलिए। तो अभी ठंड लग रही, मैंने स्वेटर पहन लिया, अभी उतनी ठंडी नहीं है, सुबह लग रही थी तो मैंने पहन लिया था। तो ये कुछ गेस्ट आए हुए हैं आसाम से, मेरी भाभी आई हैं तो हम लोगों से मिलने आई हैं। यहाँ मैगी बना हुआ है तो वही वो लोग खा रहे हैं, चाय पानी। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है जो लोग आए थे, तो इतना समय की बचा हुआ है बैग में, हम लोग खाएंगे। और अभी मैं चल रही हूँ दोस्तों आटा सानने, फिर वो सब्जी बन चुका है, रोटी बनाना है और घर में मेहमान आए हुए हैं तो सब लोग नाश्ता करते हैं। एक घंटे के लिए आए थे लोग और यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ, सब्जी हो चुका है। मामा हाल में रन दो आटा, मत तो करो सामने से, वीडियो नहीं बना सकती थी इसलिए ऐसे बनाया। तो खाने में दोस्तों सब्जी, दाल, ये बन गया है कुकर में चावल, इधर बन गया रोटी। दोस्तों वो मेरे भाभी थी जो कि आसाम से आई हुई थी किसी शादी में, मतलब जैसे जेठान तो आई हुई थी, तो वो ये भी आए हैं। वो लोग पानी वानी पिए हैं, सिर्फ नाश्ता वगैरह करके चली गई क्योंकि उनका कल ट्रेन है, तो इसीलिए वो चली गई हैं अपने मायके, क्योंकि वहीं पे शादी था तो उधर से। और अभी सब खाना वगैरह बन गया है, वो लोग चले गए हैं और अभी मैं भी चलूँ नाश्ता करने के लिए। तो उन लोगों के लिए मैगी बना था और थोड़ा मैगी है और सब्जी रोटी मिला के हम नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कपड़े थे तो मैं धोकर नीचे फैला दी, कभी मेरे को कभी कभी छत पर जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर सुखा देती हूँ और फिर इधर उधर फैला देती हूँ, सब सूख जाते हैं। छत पर बड़ी तेज़ धूप रहती है तो मेरा धूप में जाते ही ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो ज़्यादातर मैं धूप में नहीं जाती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत रहता है बहुत और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जो सूखने का कोई चांस नीचे नहीं होता है, तो ऊपर ज़रूर मैं जाती हूँ। वैसे मेरा इच्छा नहीं करता बिल्कुल भी जाने के लिए छत पे। तो इधर कपड़े वपड़े फैला दिए हैं मैंने और थोड़े से इधर फैला रखे हैं, और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा। तो ये देखिए ये सारे कपड़े फैला रखे हैं, सारे कपड़े फैला रखे हैं और नाश्ता वगैरह भी हो चुका है मेरा। तो अभी कुछ ब्लाउज हैं जो कि मेरी टाइट हो रही हैं और कुछ ढीली हैं, तो उन्हें मतलब सही करना है मुझे थोड़ा सा, तो उसी में लगूंगी आज, थोड़ा सा देखते हैं समय मिलता है। तो छत पे मैं कपड़े वपड़े नहीं गई थी डालने के लिए, नीचे ही डाल देती हूँ, नीचे ही सूख जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ब्लाउज था जो कि ढीला हो रहा था, उसी को मैं टाइट करने के लिए सिल रही हूँ, और भी बहुत सारे ब्लाउज है कल सिलूँगी, तो यहाँ फ़िलहाल एक दो ब्लाउज में सिल रही हूँ। सिलाई आती है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं रहता है, अपने से ढीला कर लो अपने से कर सकता था, तो मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू आया तो इसमें चटाई भी बिछा करके इसे खिला रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ, तो मैं इसे खिला रही हूँ। मेरे देवरानी का बाबू है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ इससे। और उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा घी था, आज सोमवार का दिन था तो घी बनाना था, क्योंकि मंगलवार को बनता नहीं है, तो मलाई पूरा एक टिफिन से ऊपर ज़्यादा था, तो उसी को हम घी बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा से घी निकल गया है, और आधा किलो करीब एक टिफिन मलाई से एक मतलब आधा किलो घी निकल जाता है। तो बस दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने कोई मन नहीं था, लेकिन गेस्ट आया तो मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा बना ही लेते हैं वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट में, बाय बाय।